हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जैसे इससे पहले वीडियो में मैंने अस्तर ये साड़ी में से निकला हुआ ब्लाउज जो था इसको अस्तर के साथ कैसे ज्वाइंट करना है ये मैंने आपको दिखाया है। अब यहाँ पे मैं अस्तर के ब्लाउज की स्टिचिंग में आपको दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये कटोरी के पार्ट को ज्वाइन किया है, स्लीव्स को ज्वाइन किया है, ये कटोरी के साइड का पार्ट है और यहाँ पे ये हमारी क्रॉस पट्टी है और यहाँ पे ये जो है ये हमारे बैक साइड है। बैक साइड को हमने बाद में इसको सिलना है क्योंकि इसके ऊपर हमें ये डिजाइन बनानी है। तो पहले हमें इसकी स्टिचिंग देखते हैं। तो पहले हमें कटोरी का जो पार्ट है उसको पहले लेना है। ये देखिए, यहाँ पे हमें इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। अभी यहाँ पे कटोरी का जो पार्ट है इसको हमने इस तरह से फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हमें 1.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है। 1.5 इंच पे एक मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हम 2.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। 2.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद इस तरह से हमें इसको कटोरी को पहले ये टक्स लगाना है। इस तरह से पहले ये टक्स पॉइंट जो है वो लगाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमारा ये टक्स पॉइंट जो है इस तरह से आता है। अब इसके साइड का जो पार्ट है, अभी यहाँ पे हमें ये साइड का जो पार्ट है इसे हमें इस तरह से लेना है। और यहाँ पे हम इसको ज्वाइन करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमने कटोरी को अटैच किया है। अभी ये दोनों पार्ट हमने ज्वाइन किए हैं। अभी यहाँ पे हमने जैसे अस्तर पे ये जो ज्वाइंट जैसे ज्वाइन किया था ये वैसे हमने ये क्रॉस पट्टी ज्वाइन नहीं की थी। अब इसे मैं इस वीडियो में दिखाने वाली थी कि इसको कैसे ज्वाइन करना है। तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो है ये सीधी साइड है तो सीधी साइड में हमें ये ब्लाउज जो है ब्लाउज में से निकला हुआ जो क्रॉस पट्टी है उसे हमें ज्वाइन करना है और अस्तर के साथ हमें ये अस्तर की क्रॉस पट्टी ज्वाइन करनी है। इस तरह से हमें ये तीनों को ज्वाइन करेंगे। अभी यहाँ पे भी हमें ये जो टक्स पॉइंट है इसे हमें अंदर के साइड में इसे थोड़ा सा फोल्ड करना है। ये देखिए, यहाँ पे हमने ये क्रॉस पट्टी जो है इस तरह से लगाई है और यहाँ पे हमारी ये देखिए, यहाँ पे हमने ये क्रॉस पट्टी लगाई है।
अभी यहाँ पे हमें थोड़ा सा हल्का सा तिरछा इसको कट करना है। कट करने के बाद यहाँ पे आपको देखना है, क्योंकि हमने आधा आधा इंच एक्स्ट्रा पट्टी जो ली है इसे हमें सेम करके लेना है। नीचे के साइड से हमें इसको एक्स्ट्रा जो है, एक्स्ट्रा पट्टी जो है इसे हमें थोड़ा थोड़ा कट करना है। इस तरह से हमने इसको कट किया है, ये देखिए। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, ये दोनों साइड जो है इस तरह से हमें इसको फोल्ड करनी है और यहाँ पे हम सिलाई लगाते हैं। अभी यहाँ पे हमें इस तरह से अंदर के साइड में इसको फोल्ड करके ये दोनों साइड जो है इसको हमने स्टिच करना है। अभी से वापिस हमें डबल सिलाई लगानी है। ये देखिए यहां पे आपको इसको सीधा करना है, ये जो अंदर के साइड में इस फोल्ड हो गया है। ये देखिए यहां पे हमारी ये क्रॉस पट्टी जो है ये इस तरह से आती है, ये देखिए। जैसे ऊपर के साइड में भी ये अंदर के साइड में सिलाई चली जाती है और अंदर के साइड से भी हमारी ये अंदर के साइड में सिलाई चली जाती है, वो दिखने में भी अच्छा दिखता है। ये देखिए यहाँ पे हमने ये एक पार्ट जो है आपको स्टिच करके दिखाया है। अब दूसरा पार्ट भी हमें इसी तरह से स्टिच करना है। पहले हम कटोरी का पार्ट ले लेते हैं। अब इसे भी हमें इस तरह से इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे आपको, क्योंकि कटोरी का क्या प्रॉब्लम हो जाता है कि टक्स कितना लेना है यह समझ में नहीं आता, तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे लंबाई के हिसाब से भी आपको यह टक्स पॉइंट रहता है, क्या हो जाता है, डेढ़ इंच तो ये फिक्स पॉइंट रहता है हमारा, ये डेढ़ इंच पे ही मार्किंग करनी है। लेकिन ज़्यादा लंबाई होगी तो आप 3.25 इंच पे या 3 इंच पे, 14 साढ़े 14 इंच लंबाई होगी तो आप 3.25 इंच पे इसका टक्स पॉइंट लगा सकते हैं। 12 साढ़े 12 13 साढ़े 13 इंच पे होगी तो आप 2.5 इंच पे टक्स पॉइंट लगा लो, और थोड़ी लंबाई ज़्यादा होगी तो आपको 3.25 इंच पे लगानी है, और 15 16 इंच लंबाई होगी तो आपको 3 इंच पे ये टक्स पॉइंट लगाना है। तो इस तरह से आपको ये, जैसे कटोरी के पॉइंट में आपको ध्यान में नहीं आता है कि कैसे कटोरी को कितना टक्स लेना है, तो यहाँ पे आपका 1.5 इंच का जो टक्स होता है ये आपका फिक्स रहता है। ये देखिए यहाँ पे हमने ये टक्स पॉइंट जो है वो लगाया है ये पे, और इसके साइड का जो पार्ट है इसे हमें ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पे हमें इस तरह से इसको लेना है और इसे हमें ज्वाइंट करना है।
अभी यहाँ पे हमें इसके ऊपर डबल सिलाई लगानी है। इस तरह से हमने ये कटोरी के साइड का जो पॉइंट पार्ट था इसको हमने ज्वाइंट किया है। अब यहाँ पे हमें अस्तर और ये जो क्रॉस पट्टी है इसे हमें कैसे ज्वाइंट करना है। अभी यहाँ पे हमें ये जो क्रॉस पट्टी है ये ऊपर के साइड में इस तरह से लगानी है। ये देखिए यहाँ पे लगाते हैं और ये जो है ये नीचे के साइड में अस्तर वाली नीचे के साइड में लगाते हैं और इसके ऊपर हमें ये सिलाई लगानी है। अभी यहाँ पे अभी डबल सिलाई लगानी है। ये देखिए यहाँ पे हमने ये डबल सिलाई लगाई है और ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है इसको हम एक्स्ट्रा पट्टी को कट करेंगे। अभी आपको यहाँ पे चेक करना है क्योंकि अस्तर की जो कटिंग होती है ये परफेक्ट कटिंग होती है और ये जो साड़ी में से निकला हुआ जो ब्लाउज होता है ये हमारा थोड़ा सा आधा आधा इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं तो ये कितना ज़्यादा आता है आपका पहले आपको ये चेक करना है। उसके बाद जैसे ये देखिए यहाँ पे हमारी ये एक्स्ट्रा जो है इसे हमें कट करना है। अभी यहां पे हमें क्रॉस पट्टी को इस तरह से लेनी है। ये अंदर के साइड में इसको फोल्ड करना है। और इसके ऊपर हमें ये सिलाई लगानी है। यहाँ पे हमें डबल सिलाई लगानी है। अभी यहाँ पे हमें इसको सीधा करना है। ये देखिए यहाँ पे हमें इसको सीधा करना है। यहाँ पे हमने ये क्रॉस पट्टी जो है ये भी हमने ज्वाइंट करके आपको दिखाई है।
ये देखिए यहाँ पे हमने ये फ्रंट साइड जो है वो आपको स्टिच करके दिखाई है। अब बैक साइड जो है, बैक साइड का क्या है, हमें इसके ऊपर गले की डिजाइन बनानी है, इसीलिए हमने ये बैक साइड इसको ज्वाइंट नहीं की है। स्लीव्स भी हमने इसको तैयार किया है, स्लीव्स को भी ये देखिए, जब हम बैक साइड तैयार करेंगे तब हम स्लीव्स को ज्वाइंट करेंगे, इसीलिए हमने ये स्लीव्स भी ज्वाइंट नहीं किए हैं। और हुक और आई की पट्टी जो हम लगाते हैं, इसका वीडियो भी मैंने अपलोड किया है कि कैसे लगाते हैं, इसीलिए मैंने इसका वीडियो नहीं बनाया है। तो हुक और आई की पट्टी कैसे बनाते हैं वो भी मैंने आपको दिखाया है। अब क्या करना है, जैसे हुक और आई की पट्टी जब लगाते हैं, यहाँ पे हमें थोड़ा सा हल्का हाथ से तिरछा कट करना है, क्वार्टर इंच हमें इस तरह से इसको थोड़ा सा हल्के हाथ से कट करना है और दोनों साइड में पट्टी लगानी है। दोनों साइड में पट्टी लगाने के बाद हमें ये पाइपिंग जो है वो पाइपिंग बनानी है। पाइपिंग बनाने के बाद जैसे बैक साइड के गले के ऊपर हम डिजाइन बनाएंगे तो फ्रंट साइड की पाइपिंग जो है वो आपको बनानी पड़ेगी, तो इसीलिए यहाँ पे आपको पाइपिंग बनानी है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्लीव्स को ज्वाइंट करना है और फिटिंग, तो फिटिंग का भी वीडियो मैंने अपलोड किया है और स्लीव्स कैसे ज्वाइंट करते हैं, पाइपिंग कैसे बनाते हैं, हुक और आई की पट्टी कैसे लगाते हैं, इसका वीडियो मैंने अपलोड किया है मेरे चैनल में, आपको ये दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैंने ये, जैसे कटोरी का प्रॉब्लम आ जाता है कि कटोरी कितने लेनी है ये समझ में नहीं आता, इसीलिए मैंने आपको ये अच्छे तरीके से आपको बताया है कि कटोरी का टक्स कितना लेना है और अस्तर का ब्लाउज जो है उसे कैसे सिलाई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको ये अस्तर के ब्लाउज की सिलाई करके दिखाई है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।